Oh, salt, I love it. उप महापौर कुलभूषण साहेब सुनील भाऊ माडी माजी नगर सेवक रामबंदारी साहेब देखील आपल्यामध्ये उपस्थित आहे. कुठेतरी विविधतेमध्ये एकता हाजी साहेबांचं विशेष आहे. हाजी साहेब प्रत्येक समाजावर आणि प्रत्येक समाजाच्या लोकांवर समांतरण प्रेम असं करत असते. जे मान्यवर रक्तदानासाठी येथे आलेले आहेत त्या सर्व मान्यवरांचं आम्ही मलिक फाउंडेशन तर्फे मनापासून स्वागत आणि सत्कार करतो. डॉक्टर करीम सराड साहेब सुद्धा आलेले आहेत. आम्ही सुद्धा त्यांच्या या मंडपात अब्दुल गफ्फार मलिक फाउंडेशन तर्फे मलिक परिवार तर्फे त्यांचं स्वागत आणि सत्कार करतो. डॉक्टर अशोक पाटील देखील आपल्यामध्ये उपस्थित आहे. आम्ही त्यांचं देखील स्वागत करीत आहोत. सर कलर साहब सर जी लाइट हो ये भाई भाई लाइव कौन सा कलर तुम्हारा है? लाइव ट्रेंड कृपया एका ठिकाणी गर्दी करू नका. सोशल डिस्टन्सिंगचे पालन करा. ज्यांच्या चेहऱ्यावर मास्क नसते कृपया काउंटरवर मास्क आहे त्यांनी आपल्या चेहऱ्यावरती लावायचे आहे. भैया जी आपण लाईव्ह जात आहात. आपसे जानना चाहते भैया जी कि आज मलिक फाउंडेशन द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर में आपने रक्तदान करके एक राष्ट्रीय एकात्मता का बड़ा संदेश दिया है. मलिक परिवार के संदर्भ में आपका जो प्रेम आज आपने उजागर किया है कैसी भावना आ रही है मन में? आपको ऐसा लग सकता है क्योंकि आपका पत्रकारिता धर्म है. हमारा धर्म जो है वो मलिक परिवार से बहुत अलग है. रिश्ते नाते भी बहुत अलग है. ये आज इन्होंने रक्तदान शिविर रखा है तो बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम. इनका दूसरा कोई भी कार्यक्रम होता था वो भी हमारे बहुत ही अलग रिलेशन रहेगा. जलगांव में आके लगभग ऐसा समझिए कि 40 साल में 35 साल से मलिक परिवार से संबंध रहे हुए और हमेशा इनके कार्यक्रम जो रहते हैं वो समाज के उपयोगी रहते हैं. बहुत सारे विषय मतलब गफ्फार भाई थे. आज इन्होंने गफ्फार भाई के ही कदमों पे चलने का कार्यक्रम हुआ. बहुत ही सुंदर उपक्रम है. और ये जो इतना गैदरिंग देख रहे हैं अपन ये इस परिवार की कुछ तपस्या उस कारण से ये सारा विषय हुआ. और एजुकेशन का क्षेत्र हो और स्वास्थ्य का क्षेत्र हो हमेशा ये आगे रहते हैं और इसलिए हम हमेशा इनके साथ में. भैया जी आता मराठीमध्ये अपेक्षित आपल्याकडून बाईट
ज्यावेळी एखादा व्यक्ती रक्तदान करतो त्या व्यक्तीचं त्या संबंधित व्यक्तीशी रक्ताचं नातं निर्माण होतं. तर आपल्याला वाटत असेल की आपलं हिंदू मुस्लिम एकतेचं एक खूप मोठा एक माध्यम आहे रक्तदान. संबंध अपनी जगह है लेकिन किसी का जीव बसता है. और अभी ये विशेष रूप से मैं लोकमत का धन्यवाद दूंगा कि इतने बड़े स्तर पर रक्तदान बहुत संस्थाएं करती हैं. कई संस्थाएं ऐसी रहती है जो करती है लेकिन उनको फोकस में लाने का ये भी काम बहुत उसको संघर्ष करना पड़ता है. ये जो लोकमत ने शुरू किया है इसमें मेरा एक ही सुझाव रहेगा लोकमत के लोगों को और सभी रक्तदाताओं को कि ये इतने बड़े शिविर कंटिन्यू टू कर रहे हैं. इसके बजाय अभी इसको ऐसा क्रम लेना चाहिए कि लोकमत या अन्य पेपर वाले हर महीने ऐसा शिविर लें क्योंकि रक्त एक ऐसी चीज़ है बहुत लंबे समय तक नहीं संभाली जा सकती. उपयोग में होएगा क्या होएगा ये ना सोचते हुए हमने देना है क्योंकि इस समर्थन में इस जो आंदोलन है उसमें हमें सम्मिलित होना है. लेकिन ज़्यादा उपयोग ऐसा हो कि सभी संस्थाएँ जो रक्तदान करवाती है उन्होंने मिलकर एक बार सोचना चाहिए और महीने का एक शिविर ये हम करें तो उससे क्या होगा ज़्यादा ताज़ा रक्त रुग्णों को मिल सके. धन्यवाद. आपली प्रतिक्रिया तुमचे मित्र कैलासवासी गफ्फार भाई यांचं 2-3 महिन्यापूर्वी दुःखद निधन झालं होतं. खरं म्हणजे आम्हा सर्वांना ते चटका लावून गेले. परंतु आम्हाला जे काही मान्य असतं त्याप्रमाणे ती घटना घडली होती. त्यानंतर त्यांचे सुपुत्र एजाज भाई आणि त्यांच्या सर्व परिवाराने आज या ठिकाणी रक्तदानाचं भव्य असं शिबिर आयोजित केलं. गफ्फार भाईंचा स्वभाव जो होता तो सामाजिक आणि पक्षाच्या कामामध्ये त्यांनी वाहून घेतलेला होता. समाजाच्या कल्याणासाठी ते सातत्याने झटले आणि त्यामुळे त्या धरतीवरती एजाज भाई आणि त्यांच्या सर्व परिवाराने हा जो कार्यक्रम आयोजित केला रक्तदानाच्यामुळे अनेक पेशंट्सला या ठिकाणी फायदा होणार आहे. रक्तदान म्हणजे जीवनदान आपण म्हणतो त्या पद्धतीनं ह्या कार्यक्रमाचं आयोजन झालेलं आहे. आज सकाळी 7 वाजेपासून या शिबिराला सुरुवात झालेली आहे आणि आपण पाहतो की मोठ्या प्रमाणामध्ये इथं गर्दी झालेली आहे. मोठ्या प्रमाणामध्ये उत्साह जो आहे रक्तदान करणाऱ्या मंडळींचा या ठिकाणी आहे आणि त्यामुळे एक चांगलं वातावरण या ठिकाणी निर्माण झालं. गफ्फारबाईंच्या कार्याची पावती म्हणून त्यांच्या परिवाराने या ठिकाणी हा सामाजिक उपक्रम आयोजित केलेला आहे आणि ह्या कार्यक्रमाला मी मनापासून शुभेच्छा व्यक्त करतो. एजाज भाई आणि त्यांच्या सर्व परिवाराला मनापासून धन्यवाद देतो. आपल्यासोबत आता कुलभूषण पाटील साहेब आहेत उपमहापौर जळगाव मनपा. भाऊ कदाचित मनात आणलं असतं तर पैशाची उधळपट्टी झाली असती मात्र तो मोह टाळून एक सामाजिक उपक्रम इथं मलिक परिवारातर्फे घेण्यात आलेला आहे. भाऊ काय म्हणाल आपण हाजी साहेबांच्या स्मृतिप्रित्यर्थ हा जो उपक्रम आज रोजी मलिक परिवाराने राबविलेला आहे हा खरंच एक स्मृती उपक्रम असून त्यांनी आपण समाजाचं काहीतरी देणं लागतं या भावनेतनं हा उपक्रम त्यांनी राबवलेला आहे. आपण बघितलं असेल गेल्या कोरोना काळामध्ये आपल्याला रक्ताची किती गरज भासली आणि रक्ताचा हा किती तुटवडा त्यावेळेस निर्माण झाला होता. परंतु ह्या सर्व सामाजिक भावनेतून मलिक परिवाराने जो हा उपक्रम राबवलेला आहे हा उपक्रम खरंच एक उपक्रम असून याच्यामुळे ज्या आतापर्यंतच्या आपल्या रुग्णांना रक्ताचा तुटवडा भासत होता किंवा अत्यावश्यक सेवेमध्ये ज्यावेळेस आपल्याला रक्ताची गरज भासत होती त्यावेळेस तो तुटवडा भरून काढण्यासाठी आपल्याला लोकांना सांगावं लागत होतं की रक्तदानाला पुढे या म्हणून. परंतु या परिवाराने जो उपक्रम राबवलेला आहे यांनी जो नम्र आव्हान केलेले आहे त्या आव्हानाला साथ म्हणून त्यांचा जो संकल्प आहे 1000 बाटल्या जमा करण्याचा
तो फारच मोठा संकल्प आहे। मला असं वाटतं की जळगाव शहरामधला नवे नवे तर जळगाव जिल्ह्यामधला हा सर्वात मोठा उपक्रम ठरेल। मी त्यांच्या ह्या उपक्रमाला शुभेच्छा देतो व मलिक परिवाराचे ऋणात देखील राहू इच्छितो, कारण की त्यांनी हा जो उपक्रम राबवलेला आहे हा समाजाभिमुख उपक्रम आहे आणि त्यांच्या ह्या उपक्रमाला शुभेच्छा देतो। धन्यवाद। आज हमारे अजीज दोस्त मरहूम अब्दुल गफ्फार मलिक की याद में जो अब्दुल गफ्फार मलिक फाउंडेशन की जानिब से आज ये भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, उसके लिए मैं इन तमाम बच्चों को मुबारकबाद देता हूँ। और ख़ास तौर से आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से आज यहाँ पर हर धर्म का आदमी जो है तो आगे आके रक्तदान कर रहा है, ये बहुत ज़बरदस्त राष्ट्रीय एकात्मता का मैं कहूँगा कि प्रतीक है आज का ये कार्यक्रम, तो कुछ उसमें गलत नहीं होगा। किसी की ज़िंदगी बच जाए इससे बढ़ के और दुनिया में नेकी क्या हो सकती है। हम एक वक्त का खाना देते हैं, एक वक्त की भूख मिटा सकते हैं, वो भी एक पुण्य का काम है। हम एक कपड़ों का जोड़ा देते हैं उससे भी बदन ढका जाता है, वो भी चंद दिन के बाद फट जाता है। लेकिन जब किसी की ज़िंदगी खतरे में हो और उसको खून की ज़रूरत हो, ऐसे में जो खून देने का सबसे बड़ा अगर कोई दान हो सकता है तो वो रक्तदान होता है। हमारे इसी मोहल्ले के मरहूम याकूब सहर साहब ने ऐसे ही कामों के लिए कहा है कि शहर तकाजा जिंदगी का है, जहर पानी में किसी के काम आ जाए तो अपनी ज़िंदगी दे। मुझे बहुत खुशी है यहाँ पर सभी हमारे अतिथि पधारे हैं, मैं उन सबका जो है तो मलिक फाउंडेशन और हमारे नौजवानों की तरफ से इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ और दुआ करता हूँ कि जिन जिन लोगों ने यहाँ पर रक्तदान दिया है अल्लाह उनकी रात चौगनी और जिस दूरी तरक्की करे, उनको सेहत दे और उनके खून से जिसकी जान बचे वो भी एक नई जिंदगी अपने जीवन में शुरू करे। धन्यवाद। आज जी गौमुख्याने आजी साहेबांच्या स्मृतीस मी अभिवादन करतो। दरवर्षी आजी साहेब असताना रक्तदान शिबिर ते आयोजित करत होते, आज देखील येदर महिनी या ठिकाणी रक्तदान शिबिर आयोजित केलं, त्यांचं मी अभिनंदन करतो। रक्तदान हे सर्वात श्रेष्ठ दान आहे आणि कोरोना काळात बरेचसे ऑपरेशन झालेले आहेत, काही रुग्णांना रक्त मिळत नव्हतं, आज रक्तदानाच्या माध्यमातून त्यांची व्यवस्था झालेली आहे। सकाळी 7 वाजेपासून या ठिकाणी रक्तदान आपल्याला सुरुवात झाली। खरं म्हणजे जनतेचं देखील मी अभिनंदन करतो, त्यांनी विश्वास दिला, अधिकाधिक रक्तदान करा आणि सर्वसामान्य मदत करा ही विनंती करतो। गर्दी है ना आज का जो ये रक्तदान शिविर है, ये मेरे वालिद मोहतरम के 40वें पे रखा गया, यानी हम लोगों ने डिसाइड किया गया अक्सर वह 40वां होता है तो कुछ खाना वाना बना के उसको एक प्रोग्राम किया जाता है, पर हमने डिसाइड किया था कि 40वें पे क्यों ना लोगों की जान बचाई जाए। तो जिस तरह से यहाँ आए हुए मेहमानों ने बताया कि अब्बा के ऊपर जो लोग प्रेम करते थे, उनको चाहते थे, उन्होंने यहाँ कसीर तादाद में आकर इस बात का सबूत दिया कि वो लोग वाकई उनको चाहते हैं, और जो लोगों ने रक्तदान किया उन्होंने उनको खरी श्रद्धांजलि अर्पित की और सही मानों में उन्हें ताज़ियत पेश की। तो आए हुए तमामी रक्तदाताओं का और आए हुए तमामी मेहमानों का मैं अब्दुल गफ्फार मलिक फाउंडेशन की ओर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो लोग यहाँ रक्तदान दे रहे हैं इनसे मैं आह्वान करूँगा कि जब तक ये इनका रक्त किसी के रगों में दौड़ता रहेगा तब तक आपको उसका स्वभाव मिलता रहेगा, पुण्य मिलता रहेगा। तो ये दोनों ही मानों में एक बहुत बड़ा पुण्य का काम है कि मरहूम को भी उसका इसाल पहुँचेगा और आप लोगों को भी उसका पुण्य मिलता रहेगा। तो आए हुए तमामी मेहमानान का मैं अपने परिवार की ओर से, अपने दोस्त अहबाब की ओर से और तमामी बुजुर्गों की ओर से शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। आलेला सिंह मानवांचा नाही।